गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द रिवीजन क्लास। आज हम लोग चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट का रिवीजन करेंगे। यस सर। बच्चों अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो, जब सवाल पूछा जाए तो अनम्यूट करके बोलो। सब लोग म्यूट कर लो। आई विल शेयर द स्क्रीन। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखो हम जो भोजन लेते हैं उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये तो सबको पता है। जहां जहां जाओ डाउट है वहां बता देना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मेन मेन चीजों पर फोकस करेंगे। जहां जहां डाउट हो बता देना। तो हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। मिनरल को खनिज लवण बोलते। अच्छा, रफेज जो है, रफेज को हम न्यूट्रिएंट नहीं मानते। रफेज कंपोनेंट तो है, भोजन का घटक तो है, भोजन का हमारा पार्ट है, लेकिन वो पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, ठीक है। रफेज कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, ये जो है बचे हुए भोजन को छुटकारा पाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। ये सब मतलब भोजन न्यूट्रिएंट नहीं है, कंपोनेंट या घटक कह सकते हैं। हाँ बेटा, अपचित भोजन को पचाने में सर। हाँ, तो रफेज कंपोनेंट जरूर है, भोजन का भाग जरूर है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट नहीं है, पोषक नहीं है, क्योंकि वो पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। अब देखो फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या है। हमारा शरीर का निर्माण करना, हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, बिल्ड आवर बॉडी। बॉडी बिल्डिंग का मतलब जिम वाली बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का मतलब विभिन्न भागों का निर्माण करना। ये काम कौन करता है? प्रोटीन। ग्रो करना, हमारी ग्रोथ में मदद करना। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं, वृद्धि में, रिपेयर करने में। जो शरीर के क्षतिग्रस्त भाग है, डैमेज पार्ट है, उनको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। अच्छा, एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। आपको बीमारियों से बचाता है। और हेल्दी कौन रखता है? विटामिन और मिनरल्स। सब प्रोटीन हमें हेल्दी नहीं लगता। नहीं देखो, बेसिक काम बता रहे। देखो एक काम मेन काम होता है और दूसरा काम सपोर्टिव रोल होता है। तो ये मेन काम बताया, सपोर्टिव रोल में वो हेल्दी भी रखता है, क्योंकि जब शरीर के सारे भाग ही नहीं बनेंगे, प्रोटीन शरीर के सारे भागों का निर्माण करता है, और सारे भाग ही नहीं बनेंगे तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? तो प्रोटीन भी हमें हेल्दी रखता है, ठीक है। वो ये मेन मेन पॉइंट है। फैट कार्बोहाइड्रेट से, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। फैट ज्यादा एनर्जी देता है। हाँ, फैट ज्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेने से नुकसान नहीं करता, लेकिन फैट ज्यादा मात्रा में लेने से नुकसान करता है, मोटापा बढ़ाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड का मतलब था ढंग, पौधों में न्यूट्रिशन का ढंग। यस सर। तो देखो अब हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से पाते? तो कॉपी पेन सब लोग लेके बैठे हो ना? यस सर। हाँ, तो हम लोग या तो पौधों को खाते या उन जानवरों को खाते जो पौधों को खाते, तो इसका मतलब या तो डायरेक्टली या घुमा फिरा के परोक्ष रूप से, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। शेर भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो उन जानवरों को खाता है जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या है? पोषण। न्यूट्रिशन में दो चीजें होती, एक तो मोड ऑफ टेकिंग फूड। अब ये जान लो, मोड मतलब ढंग। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और हेटरोट्रॉपिक को विषम पोषी। स्वपोषी और विषम पोषी, ठीक है, अभी हम इसमें आ रहे हैं। और दूसरा है इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा, अभी आप सेकंड चैप्टर में जैसे पढ़ा आपने, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या इजेशन, ये जो है जैसे अंतर्ग्रहण, ठीक है, पाचन वगैरह लेते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, ठीक है, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये जो है ये उसका उपयोग है। समझ रहे हो बेटा? ये उसका उपयोग है
भोजन कैसे उपयोग होता है ये, और मोड ऑफ टेकिंग फूड है कि भाई हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। सर प्रोसेस प्लांट में होते हैं क्या? सर ये सभी प्रोसेस प्लांट में होते हैं? हाँ प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में होते हैं, अभी कॉमन बात बता रहे हैं। प्लांट्स में भी होते हैं ये, प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी हमारे शरीर से थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन ये प्रोसेस होते हैं। प्लांट भी भोजन को लेता है, न्यूट्रिशन इंजेक्शन भी होता है, प्लांट्स में डाइजेशन भी होता है, सब कुछ होता है। यस सर। हाँ लेकिन ऐसा है कि प्लांट्स जो पत्तियां जो होती है वो बना बनाया फूड ले लेते, उसमें डाइजेशन नहीं होता क्योंकि उसमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो अपना भोजन स्वयं बनाते तो डाइजेशन की जरूरत नहीं है, वहाँ डाइजेशन नहीं है। लेकिन जो पौधे हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनमें डाइजेशन होता है, तो फंगी में जो डाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, अपना पाचक ग्रास बॉडी के बाहर छोड़ते तो उनमें डाइजेशन होता है। सर कहीं से आवाज आ रही, प्लीज म्यूट कर लो। हाँ क्या सर? कुछ अच्छा अपने आप को म्यूट कर लो सर। भाई ये जो हमने तरफ से आवाज आ रही है तो इसके बाद देखो। अब देखो दो मोड है, मोड मतलब ढांगिया तरीका, दो मोड है न्यूट्रिशन के, पहला ऑटोट्रॉपिक मोड, दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन को सब पोषण बोलते हैं और हेटरोट्रॉपिक को विषम पोषण। ऑटोट्रॉपिक होता है भोजन स्वयं बनाना, जैसे हरे पौधे, हरे पौधों के हरे भाग, और विषम पोषण मतलब भोजन बना बनाया भोजन दूसरों से प्राप्त करना। सर डिपेंड रहना सर दूसरों पर। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? स्वपोषण, वो भोजन लेने का तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोज मतलब होता है नॉरिशमेंट यानी कि पोषण। ट्रोपोज मतलब नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन या पोषण, एक ही है सब कुछ। yes, sir. प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्वपोषी, अपना पोषण स्वयं करना। अब देखो हेटरोट्रॉपिक, वो भोजन लेने का तरीका जिसमें जीव बना बनाया भोजन लेते उसको हेटरोट्रॉपिक बोलते, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विषम पोषण, ऐसे जीवों को विषम पोषी बोलते। देखो विषम पोषी और परपोषी में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है? परपोषी वो होता है होस्ट जिस पर पैरासाइट रहता है, परजीवी रहता है उसको हम होस्ट बोलते, होस्ट को परपोषी बोलते जो दूसरों को पोषण दे, वो अलग है। विषम पोषी यहाँ पर है, हेटरोट्रॉपिक को विषम पोषी बोलते, परपोषी अलग है, कंफ्यूज मत होना मैं पहले से बता दे रहा हूँ। यस सर। इसे सर विषम पोषी और उसे सर परपोषी बोलते। हाँ भाई चलो तो हेटरोट्रॉपिक समझ गया बेटा? यस सर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एक मिनट ये रह गया। देखो कुछ क्वेश्चन है प्लांट्स के बारे में कि भोजन प्लांट्स के सभी भागों में बनता है या कुछ ही भाग में, तो आपको पता है जो हरे भाग होते हैं उनमें बनता है पत्तियों में, और जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनमें तने में भी बनता है, हरी शाखाओं में भी बनता है। वेरी गुड। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लो, वो प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए? पानी, पानी उनको मिट्टी से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है वायुमंडल, मिनरल्स खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? पानी के साथ, पानी के साथ ही खींचते तो ये रॉ मटेरियल हम कहते हैं अपने सराउंडिंग से लेता है, अपने परिवेश से लेता है, अपने आसपास का जो परिवेश होता है उससे लेता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से, पानी और मिनरल्स लेता है कहाँ से? जमीन, जड़ों से, मिट्टी, जड़ों से, मिट्टी से, चैलम के थ्रू मिट्टी से लेता है, जड़ों से लेता है लेकिन वो होते मिट्टी में। यस। अब हम लोग अपना फूड क्यों नहीं बना सकते प्लांट्स की जगह? क्योंकि बहुत सिंपल है, हम लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं है जो पौधों के पत्तियों और हरे भाग होता है। ये सिंपल है, हम डिफिकल्ट चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये देखो फोटोसिंथेसिस, सेल्स को देख लो बेटा, तो सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। हमारा जो शरीर है अरबों खरबों जिसको हम गिन नहीं सकते उतनी कोशिकाओं का बना है, हम लोग गिन नहीं सकते,
कुछ जीव होते हैं एक ही कोशिका के बने होते, जैसे अमीबा है, अमीबा एक ही कोशिका का बना, कुछ जीव एक ही कोशिका के बने, जीवाणु जैसे वो एक ही कोशिका के होते, तो इस तरह है। अब सेल्स जो होता है, इस तरह जो इमारतें होती हैं, सब कुछ हाँ नहीं, सब वायरस होते हैं, सब वो भी है कि जो एक ही कोशिका के बने होते हैं वायरस। देखो वायरस में एक भी कोशिका नहीं होती है, क्योंकि वायरस देखो मैं बता दूं, वायरस जो होते हैं वो कोशिकाओं के नहीं बने होते। वायरस के अंदर जैसे हमारे सेल्स में डीएनए होता है, डीएनए समझ रहे हो? यस सर। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो वायरस के अंदर सेल नहीं होते, लेकिन इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है। अगर ये हमारी बॉडी में प्रवेश करते तो हमारे सेल्स को यूज करते और डीएनए आरएनए अपना यूज करते, तो इनका इनका टोटली डिफरेंट किस्सा है। देखो वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की सीमा रेखा पर मानते, समझ रहे बेटा? वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, हम वायरस को जीवित प्राणी नहीं मानते, हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की सीमा रेखा में मानते, क्योंकि ये जैसे कोई भी वायरस है, कोरोना वायरस है, कोई जब भी मानव के बाहर होगा तो वो निर्जीव होगा, मानव के बाहर होगा या किसी और जीव के बाहर होगा तो वो निर्जीव होगा, लेकिन उस जीव के अंदर जाएगा तो वो सजीव हो जाएगा, समझ रहे हो? जीवित कोशिका के अंदर ही जी सकता है, हाँ जीवित कोशिका के अंदर जी सकता है, बाहर वो निर्जीव रहेगा, अंदर आके वो जीवित मतलब जीवित हो जाएगा, या एक तरह से कहेंगे लिविंग हो जाएगा। तो वायरस को आप हटा दीजिए, अभी वायरस को इस सेल्स से मत जोड़िए, ठीक है? तो सेल्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो सेल्स के बने हैं। सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं। जिस तरह से मकान ईंटों का बना है, इसी तरह से सारे जीव सेल के बने हैं। सेल को हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सेलुलर हाँ बेटा, अभी तो भाई बोलो ना, नहीं पूछ रही हूँ, अपने आप को अनम्यूट करके बोले। सर अमीबा मल्टी सेलुलर है? नहीं, अमीबा यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका का बना है। सर अभी तो बताया था सर ने, एक ही कोशिका का बना है। अब सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब देखो सेल के चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। देख रहे बेटा, ये एक बाहरी झिल्ली होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बीच में एक डिस्टेंट मतलब विशेष, डिस्टेंट मतलब विशेष, एक विशेष गोलाकार संरचना होती है, इसको न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। Yes, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली नुमा, जेली मतलब कहते हैं गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जेली खिसवी तो होती है। देखो जेली होती है खाने वाली, जेली के जैसा लिखा है, जेली नहीं लिखा है, जेली के जैसा पदार्थ होता है, तो जो जेली खाने वाली होती है वही बता रहे, उसी के जैसा पदार्थ होता है। जेली ना तो सॉलिड होती है ना लिक्विड, बीच की होती है। तो वैसे ही सर, ये पानी की सर, पानी की ऊपरी सतह पर होते हैं हरे हरे कलर की, वही तो होते हैं ये सर। क्या जैसे अमीबा सर, जैसे होता है उसमें सर पानी की सतह पे ऊपर होते हैं हरे हरे, वही तो होते हैं। हाँ पानी में ही पाए जाते हैं, पानी में ही अमीबा पाए जाते हैं, लेकिन अमीबा को आप देख नहीं सकते, ठीक है? हरे हरे तो वो हरे हरे शैवाल होते हैं बेटा, वो अलग होते हैं। अमीबा पानी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। हरे वाले वो शैवाल होते हैं, एल्गी, इसको एल्गी बोलते हैं, वो अलग है बेटा। एल्गी मल्टी सेलुलर है, एल्गी यूनिसेलुलर नहीं है, एल्गी बहुकोशिकीय है, जिनको आप देख सकते हैं, वो अलग है। एल्गी अलग है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन बाहर की कवरिंग होती है। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। केवल प्लांट्स में पाई जाती है, सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है? एनिमल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यस सर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हां वो सेम है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दोनों एकदम सेम है। यस सर। क्या बाकी बच्चे भाई कुछ पूछना हो पूछ लो, आप लोग अपने आप को पूछ सकते हैं। अब देखो पत्तियां जो है वो भोजन की फैक्ट्री है, भोजन का जो निर्माण है यानी कि सिंथेसिस बोलते हैं निर्माण, वो पत्तियों में होता है। तो सारा रॉ मटेरियल, सारी कच्ची सामग्री, अब रॉ मटेरियल कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये होगा रॉ मटेरियल, तो ये पत्तियों तक पहुंचना चाहिए।
अब पत्तियों तक कैसे पहुंचना चाहिए देखो, जो वाटर और मिनरल्स है ये मिट्टी से पहुंचते, प्लांट इनको जड़ों से लेता है और पत्तियों तक भेज देता है। कैसे भेज देता है ये हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में छेद होते हैं, इनको पोर बोलते हैं छेद को, इन छेद पत्तियों होते हैं और इन छेदों को हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा को स्टोमा या रंध्र भी बोलते हैं, हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं या इसको स्टोमा भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म रंध्र। अब देखो, अब ये मैंने आपको बताया था, ये पौधों के जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, सब जगह, ठीक है, सब जगह जाइलम होते हैं। जाइलम क्या होते हैं? पाइप जैसी संरचना होती है, पाइप जैसी संरचना जाइलम होती है। पानी और मिनरल्स इन्हीं में से होके पहुंचते हैं। यस सर। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है? ये देखो, एक पत्ती है, पत्ती का थोड़ा सा भाग ये दिखाया, ये, और इसका पूरा भाग ये, इसमें से ये दिखाया गया, ये देखो, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है? एक छेद होता है बीच में। स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं होती, गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं होती, ठीक है बेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? छेद होते हैं जो पत्तियों की सतह पर मौजूद होते हैं। ये छेद जो होते हैं द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं इनको, गार्ड सेल। इन छेद को हम स्टोमेटा या, हाँ जो सर, स्टोमेटा ओपनिंग होते सर, ये बंद और खुलती रहती है। हाँ, बंद और खुलते रहते हैं। इनके बारे में आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। ओके सर। अब ये पहली को क्या डाउट था? पहली का ये डाउट था, केवल पत्तियां तो फ्रूट बना सकते हैं, बाकी पौधे कैसे बनाते, बाकी पार्ट पौधों के बाकी भाग कैसे बनाते। तो एक मिनट, वो सर ये कह रही, ये कह रही पत्तियां अपना भोजन बना लेती है लेकिन पौधे के बाकी भाग क्यों नहीं बना पाते? सर स्टेम में नहीं होता, नहीं होता, मतलब जिनके पास पत्तियां नहीं होती उनके स्टेम में होता है, जैसे कैक्टस। बच्चे अभी भी हाथ उठा रहे ना, इसलिए क्योंकि हाथ उठाने का वाला सिस्टम तो मैंने खत्म उठा दिया होगा, ध्यान भूल गए होंगे आप लोग। स्वयं अपने आप को, जिनको सवाल पूछना है स्वयं अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछो, फिर म्यूट हो जाओ। अभी मैंने वैसा सिस्टम नहीं कर रखा है। यस सर। अगर आज का हमारा सफल रहा तो म्यूट। देखो सर, प्लांट जो है फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है निर्माण। Yes, ये पृथ्वी पर अनोखा प्रोसेस है। अभी ऊर्जा का चरम स्रोत कौन है? तो सन है, क्योंकि सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट भोजन नहीं बना पाएंगे, तो भोजन जानवरों को भी नहीं मिलेगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन के बिना भी जीवन असंभव है। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज बाद में किसमें बदल जाता है? मंड में। मंड में बदल जाता है, ठीक है सर। जो एक्स्ट्रा होता है वही तो बदलता है, एक्स्ट्रा सर वही नहीं, सारा, सारा सारा। देखो ऐसा होता है कि प्लांट की पत्तियों में जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा वाला तो आप एनिमल में कह रहे हो, एनिमल में, एनिमल नहीं, जहाँ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज पत्तियों में बनता है, और ग्लूकोज पत्तियों बनने के बाद वो स्टार्च बदल जाता है, क्योंकि ग्लूकोज है वो स्टोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ग्लूकोज स्टार्च बदल जाता है। एक मिनट, एक एक करके पूछो। फल, देखो ऐसा होता है कि जो स्टार्च बनता है, स्टार्च और चीजों में भी बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्च है, ये स्टार्च भी दूसरी चीजों में बदलता रहता है। तो फल में क्या होता है? फल में अगर आप जानना चाहें तो फल में एक तरह की शुगर होती है जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज नाम की शुगर होती है जो कि बहुत मीठी होती है। फलों में एक नेचुरल शुगर होती है जिसको फ्रक्टोज बोलते हैं। तो स्टार्च, तो जब फल बनते हैं तो ये स्टार्च जो है वो फ्रक्टोज में बदल जाता है, ठीक है। यस सर। अरे ये माल्टोज, फ्रक्टोज, सर दोनों बदलता है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, बहुत तरह के होते हैं ये, 100-150 तरह के होते हैं,
ये सारे बेटा कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अभी आप और भी पढ़ेंगे, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता ही, तो पता ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा नहीं है साइंस में, अगर आप जानते हो तो वो प्रोटीन होता है। क्या ये पूछ रहे सर, आप लैक्टोज ग्लूकोज समझा रहे थे, उसकी आवाज ही नहीं आई बहुत देर तक। बेटा ये मैं बता रहा था कि लैक्टोज ग्लूकोज ही सारे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सारे कार्बोहाइड्रेट है, मैंने इतना बताया था आपको बस, और बाकी मैंने बताया था आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और पौधों में बताया था कि सबसे पहले ग्लूकोज बनता है वो फिर स्टार्च में बदल जाता है, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, सब अभी मैंने पढ़ा, ग्लूकोज स्टार्च और बाकी जितने भी ओज का नाम लिया लैक्टोज फ्रक्टोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। यस सर। सर अब देखो, हाँ सर, वायरस सजीव होती है ना? अरे तो बता, वायरस जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, वायरस का इस टॉपिक से कोई संबंध नहीं है बेटा, ठीक है, वायरस के बारे में आप अगर जानकारी चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना है, अलग टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। सर चलो, सर पौधे जो है सर वो उपयोग से ज्यादा स्टार्च नहीं बना सकते। हाँ क्या, जो पौधे हैं सर वो उपयोग से ज्यादा स्टार्च नहीं बना सकते। बना सकते हैं, वो उनमें स्टोर रहता है, स्टार्च नुकसान थोड़ी ना करता है, वो स्टोर रहेगा तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर लेते, उसको दूसरे रूप में बदल के उसको स्टोर किया जा सकता है। सर जो गोंद निकलता है ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्च को स्टोर कर सकते। सर जो गोंद वगैरह होता है वो सर ग्लूकोज होता है। क्या टॉपिक पढ़ लेने तो मेरे भैया, सर टॉपिक हाँ, चलो भाई ये चाहिए लेसन आज होना जरूरी है, बता दो क्या सर जो गोंद वगैरह निकलता है सर पेड़ों से? हाँ वो पेड़ों से प्राप्त करते हैं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं गोंद को, और जो पेड़ों का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, पेड़ों का वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पेड़ों के लिए वो यूजलेस होता है लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है, पेड़ों का वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, ग्लूकोज होता है सर। क्या ग्लूकोज? नहीं नहीं गम, गम आप पूछ रहे हो ना, गम। यस सर, यस सर। ग्लूकोज तो भैया यूज का होता है भाई। चलो पत्तियों को छोड़ के प्लांट्स के दूसरे भाग में भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, विशेषकर हरे तने और हरी शाखाओं में। अब कुछ पौधों जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं डेजर्ट प्लांट, इनमें क्या होता है दो तरह की पत्तियां होती है, एक तो स्केल जैसी पत्तियां होती है, स्केल लीफ, स्केल लीफ बोलते छोटी और कटी हुई, ये देख रहे हो बेटा स्केल लीफ, स्केल लीफ छोटी और कटी हुई, बहुत ज्यादा छोटी छोटी और कटी हुई पत्तियां उसको स्केल लीफ बोलते, या फिर ऐसा हो सकता है कि कांटों में बदल सकती है स्पाइन लाइक लीफ। इनमें क्या होता है, इनका इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो तने में होता है, ठीक है, तना जो हरा होता है वो फोटोसिंथेसिस काम करता है, पत्तियां जो है केवल रक्षा का काम करती है कांटों की तरह। इसके बाद देखो जो लाल हरी नीली पीली पत्तियां होती है इनके बारे में बात करते हैं, तो ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। आवाज आ रही? यस सर। अच्छा आप देखो मल्ट का टेस्ट कैसे करेंगे ये तो सबको पता है? यस सर। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, ये सब कर लेंगे, कोई डाउट? नो सर। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, अब ये भी पत्ती में आयोडीन कैसे टेस्ट करते हैं, ये सिक्स क्लास में आपने सीखा था, पत्ती को पहले स्प्रिट एल्कोहल में डालते हैं, ठीक है, क्या होगा कि पत्ती का हरा रंग जो है वो एल्कोहल में आ जाएगा, एल्कोहल हरा हो जाएगा, पत्ती सफेद सफेद हो जाएगी। हम क्यों करते हैं, मैंने आपको कारण भी बताया कि पत्ती पर अगर हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कि आयोडीन डालने पर वो नीला या काला हो जाता है, अब पत्ती पर नीला काला रंग चढ़ता नहीं है, पत्ती हरी होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पत्ती को हरे से सफेद बनाएंगे, अब हरे को सफेद बनाने के लिए उसका स्टार्च गायब करते, सॉरी क्लोरोफिल गायब करते, अभी क्लोरोफिल कैसे गायब हो, क्लोरोफिल एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, पानी में नहीं, एल्कोहल में गर्म करने पर सॉल्युबल होता है, तो बस इतना है। पत्ती को हम टेस्ट ट्यूब में लेकर एल्कोहल
या स्पिरिट में डालते और फिर उसको हीट करते, लेकिन एक समस्या है कि वो आग पकड़ता है हीट करने से, इसके लिए हम उसको बीकर में रख के हीट करते, बीकर में रख के गर्म करते हैं। हाँ, बीकर में रख के गर्म करते हैं। अभी आयोडीन टेस्ट से देखो, अगर सफेद पत्ती जो हो जाएगी एल्कोहल में हीट करने के बाद, उस पर ये नीला या काला हो जाएगा, तो ये टेस्ट है। अब आपकी बुक में जो ये है कि ये तो समझ ही गए होगे एल्कोहल में क्यों डालते हैं। अब ये हालांकि ये 6-6 का है। चलो ये 6 का बताया था। अब देखो 7th का ये है जो एक्टिविटी है। 7th में हम क्या करेंगे, केवल थोड़ा सा अंतर करेंगे, दो पौधे लेंगे, एक तो जो रोशनी में और एक वो जो 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक वहां डार्क रूम में रखा हो, अंधेरे में रखा हो। एक पौधा रोशनी में लेंगे और एक पौधा अंधेरे में 3 दिन तक। दोनों की एक एक पत्ती पर जब आप टेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, तो जो रोशनी में होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जो अंधेरे में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए कि 72 घंटे तक अगर आप पौधे को रखोगे तो जो उसमें स्टोर्ड भोजन है, जो उसमें पौधे में स्टोर्ड भोजन है, पत्ती में जो स्टोर्ड स्टार्च है खत्म हो जाएगा। अब पत्ती को नया स्टार्च बनाना पड़ेगा आपको। अगर किसी को भी अगर मान लो 4-5 दिन तक भूखा रखा जाए तो आपके शरीर में जो स्टोर किया हुआ भोजन है वो समाप्त हो जाएगा, आपको नया भोजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही है कि पौधों में जो स्टार्च स्टोर है संग्रहित है वो समाप्त हो जाएगा पत्ती में। पत्ती में जो स्टार्च पहले का था वो समाप्त हो जाएगा, तो उसको समाप्त करने के लिए कम से कम 72 घंटे लगते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर आप 2-3 घंटे अंधेरे में रखोगे तब तो वो स्टार्च दे देगा, क्योंकि उसके बाद पहले से बना बनाया स्टार्च होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 दिन तक धूप में रखते हैं। ठीक है सर? सर फिर उसके बाद भी सर उसी तरह से टेस्ट करते होंगे पत्ती पे? हाँ बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, तो उसी तरह से करते हैं। बस जो हमने अंधेरे में रखा था उसमें ब्लू ब्लैक नहीं आएगा, और जो लाइट में रखा था उसमें ब्लू ब्लैक हो जाएगा। सर लाइट में रखा था उसमें ब्लू ब्लैक आएगा या सर अंधेरे में रखा था उसमें? लाइट में रखा था उसमें। भाई देखो लाइट में रखा तो स्टार्च बनेगा ना, लाइट में तो स्टार्च बनेगा ना, तो लाइट में लाइट वाले में ब्लू ब्लैक कलर आएगा और अंधेरे में जो स्टार्च है वो बनेगा नहीं। और जो अंधेरे में इसलिए रखते जो पहले का स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा, वो तो प्लांट भोजन ले लेगा ना, समाप्त हो जाएगा। अब नया स्टार्च तभी बनेगा जब उसको धूप में रखेंगे, और वो नहीं बनेगा स्टार्च तो वो नीला काला नहीं होगा। अगर सर पौधों को ऐसे ही सर मान लो सर 1 महीने तक ना रखें तो क्या सर पौधा सूख जाएगा? हाँ बिल्कुल, 1 महीने क्या क्या 1 महीने से कम भी सूख सकता है। 1 महीने देखो पौधा 2 दिन में भी सूख सकता है और 1 महीने में भी सूख सकता है, वो डिपेंड करता है उसके पास कितना फूड है। यस सर, यस सर। अब देखो कुछ पत्तियां ऐसी होती है हरे रंग के अलावा इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या होता है इनमें क्लोरोफिल के अलावा लाल कत्थई और दूसरे रंग के पिगमेंट होते हैं वर्णक। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है वर्णक, उसमें दूसरे वर्णक भी होते जो हरे रंग को ढक लेते हैं। जैसे लाल वाले में लाल पिगमेंट होगा, पिगमेंट कई प्रकार के होते हैं जिनको बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, तो लाल बैगनी और ये जो कत्थई पिगमेंट होते हैं वर्णक, ये क्लोरोफिल को ढक लेते हैं। तो क्लोरोफिल होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, समझ रहे बेटा? इनमें क्लोरोफिल के रंग को दूसरे रंग ढक लेते हैं। यस सर, उनका रंग ज्यादा गाढ़ा होता है। अब एल्गी, एल्गी आपने देखा होगा स्लिमी मतलब हरे धब्बे जो रुके हुए पानी में होते हैं, कभी नमी की दीवारों में होते हैं, इनको हम एल्गी कहते हैं। एल्गी में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा भोजन, अब ये मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है? अब देखो प्रोटीन जो होता है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है बेटा? अब ये नाइट्रोजन आएगा कहां से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो नाइट्रोजन बनता नहीं है। अब सवाल ये है कि नाइट्रोजन आएगा कहां से, तो मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन लेने के 3 तरीके होते हैं। नाइट्रोजन लेने के 3 तरीके हैं। पहला कि फर्टिलाइजर देते हैं, जो फसलों को हम फर्टिलाइजर देते हैं यूरिया देते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। दूसरा कुछ प्लांट्स में
हाँ चलो, तो प्रोटीन के पास, प्रोटीन नाइट्रोजन का सब्सटेंस है, तो अब नाइट्रोजन कहां से आता है, तो तीन तरीके होते, पहला यूरिया से, दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट को दे देते, उसको बना के मिट्टी में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के जड़ों में होता है, ठीक है, या फिर कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाए जाते हैं, कुछ दूसरे नाइट्रोजन के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्त्री कीड़ों बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाए जाते हैं, अभी हम इस पे आ रहे हैं। और तीसरा तरीका है कुछ प्लांट कीड़ों से नाइट्रोजन लेते हैं, कुछ प्लांट कीड़ों से नाइट्रोजन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब देखो नाइट्रोजन कहां से आता है, तो वही मैंने बताया कि फर्टिलाइजर के रूप में आता है, और कुछ पौधों के जड़ों में या मिट्टी में, जड़ों में भी मिट्टी में भी हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या क्या होता है। और कुछ प्लांट कीड़ों से नाइट्रोजन लेते, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया समझा दीजिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग अभी बेटा बता रहे हैं, उसपे हम आ रहे हैं, वो अभी इसी चैप्टर में अभी हम आ रहे हैं। अब देखो आ गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है। देखो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन नाइट्रोजन में एक कमी है कि ये पानी में घुलती नहीं है, और हमें नाइट्रोजन चाहिए घुलनशील, पौधों को, हमें नहीं, पौधों को नाइट्रोजन चाहिए घुलनशील रूप में, ठीक है, घुलनशील रूप में चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन गैस पानी में नहीं घुलती है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, वो नाइट्रोजन को घुलनशील और प्रयोग करने योग्य रूप में बनाते हैं, घुलनशील और प्रयोग करने के रूप में बनाते और उसको मिट्टी में छोड़ देते और पौधे इसको ले लेते हैं। इस क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की लेकर उसको घुलनशील रूप में परिवर्तित कर दो, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया उसको घुलनशील रूप में बना देते जिससे वो पानी में घुल जाए, और पानी में घुल जाएगी तो पौधे जड़ों से उसको ले लेंगे और प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। इसी का एग्जांपल सर राइजोबियम देखो एक बैक्टीरिया है जो पौधों की जड़ों में रहता है, बाकी कुछ और भी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है ये। हाँ अभी फलीदार पौधों की जड़ों में, हाँ ये भी देख लो अभी आ रहे हैं फलीदार पौधों आ रहे हैं, फलीदार पौधे मैं आ रहा हूँ अभी पढ़ाऊंगा अभी वो। ये पहले देख लो कि हम फर्टिलाइजर से लेते हैं, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं। यस सर। और कुछ प्लांट होते हैं पिचर प्लांट, गंदे प्लांट होते हैं, का मैंने वीडियो देखा, अगर कोई वीडियो दोबारा देखना चाहे, वैसे वीडियो आप देख चुके, अगर यूट्यूब पे वीडियो पड़े दोबारा देखना चाहे तो मुझे आप कह सकते हैं। सर हाँ क्या सर बर्मिंग कंपोस्टिंग से सर पौधे नाइट्रोजन ले सकते हैं? हाँ देखो बर्मी कंपोस्टिंग होता है केचुए से खाद बनाना, ठीक है, इसलिए वो अलग होता है, खाद में नाइट्रोजन नहीं होता है, फर्टिलाइजर में होता है, उर्वरक में होता है, उर्वरक जो होता है सफेद पाउडर ना यूरिया इसमें होता है, खाद में नहीं, खाद में क्या होता है बाकी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन नहीं होता है। यस सर। ओके सर। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, देखो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, कुछ प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते, अब वो फूड कहां से प्राप्त करें? yes, मानव और इंसान है, वो अपना फूड प्लांट से लेते, मानव और इंसान नहीं, मानव और दूसरे जानवर, तो ये अपना फूड प्लांट से लेते, तो इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन सा तरीका है? हेटरोट्रॉपिक मोड। अब देखो कुछ प्लांट, एक इसमें नोट लगाया मैंने, सम प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक, कुछ प्लांट अधूरे रूप से हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कि आधे ऑटोट्रॉप और आधे हेटरोट्रॉप, जैसे कि पिचर प्लांट या संड्यू प्लांट, कीट बच्ची जो पौधे होते हैं वो आधे हेटरोट्रॉप होते हैं और आधे ऑटोट्रॉप, उनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन कीड़ों से सिर्फ नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलो अब देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीन मोड होते हैं, सर पिछली वाली सर स्लाइड एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, ये वाली देखो, इससे पीछे वाली सर, इससे पिछली वाली तो भाई ये है सर, यही इसमें क्या था, इसको तो केवल नाम बताया ना, हेटरोट्रॉपिक टॉपिक है, नहीं सर इससे पीछे वाली बता रहा है, नहीं सर पिछली वाली होमवर्क है, पिछली वाली ये, पिछली वाली ये,
ये अनुराग मीना सर। अरे बताओ कौन सी फ्लैट, जल्दी से मुझे बताओ सर। पिचल प्लांट वाली। अच्छा ये वाली। तो देखो इसमें ये बताया, पिचर प्लांट और संड्यू प्लांट कीट बच्ची पौधों का उदाहरण है। ये लोग कीड़ों से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ आई नहीं। चित्र संड्यू प्लांट में कीड़ों खाने की स्थान कौन सा होता है? संड्यू प्लांट में भी आ रहा हूँ, उस पे कीट बच्ची पौधों पे आ रहा हूँ। पिचर प्लांट संड्यू सारे पौधों में कीड़ों से वो नाइट्रोजन लेते हैं। संड्यू प्लांट का अगर आप वीडियो देखना चाहे तो मुझे शाम के टाइम में संपर्क करें, है ना। वो वीडियो मैंने आपको डाला है, अगर आपके आप व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट नहीं किए तो ऊपर की तरफ होगा जब मैंने पढ़ाया था। सर इसमें लिंक भी होगी शायद सर। देखो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि वही वीडियो देखो। मैं कभी भी इस चीज में प्रमोट नहीं करता हूँ कि मेरा ही बनाया वो चीज देखो, आप अपना भी ढूंढ के देख सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको भेज दूंगा, आराम से मिल जाएगा। संड्यू प्लांट का वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, वैसे मैंने जो आपको दिखाया था वो। अगर चाहिए तो मुझसे शाम के टाइम संपर्क। चलो अब ये चीज मैं बता रहा था, ये यहाँ पर। हाँ ये देखो, तीन तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पैरासिटिक मोड, परजीवी प्राणी। परजीवी देखो वो होते हैं जो दूसरों के शरीर में रहते हैं, दूसरों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। जैसे कसकोटा, अमरवेल। अमरवेल जो होता है पीले रंग का इसका तना होता है, पत्तियां इसमें नहीं होती। अमरवेल में पत्तियां नहीं होती, पीले रंग का तना होता है। इसमें कुछ वो होते हैं डंक, इसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, वो इसमें घुसा देता है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ एक कोई बात नहीं, मैं रिवीजन की भी आज की मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। सर बहुत लोग अनम्यूट हो गए, ये सर दिक्कत हो रही है। हाँ तो बेटा जो लोग अनम्यूट हुए अपने आप को म्यूट कर लो, जब कोई सवाल पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करो, पूछो और फिर म्यूट हो जाओ, जिससे आप सबको सुनाई देगा, है ना, सबको सुनाई देगा। तो वैसे आज अभी तक सही चल रहा है, ऐसे थोड़ा सा और ध्यान दो। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पैरासिटिक वो होते जो, जैसे अमरवेल है, अमरवेल दूसरों पौधों पर रहता है। अमरवेल सब कुछ जो है वो होस्ट से लेता है। दूसरा इंसेक्टिवोरस, कीट बच्ची पौधे होते, वो कीड़ों को मार के नाइट्रोजन लेते। हालांकि ये पूरी तरह से, मैं बता चुका हूं, पूरी तरह से हेटरोट्रॉपिक नहीं होते। सेप्रोट्रॉपिक, ये देखो मरे हुए प्राणियों से भोजन लेते, मरे और सड़े गले प्राणियों से भोजन लेते, इनको मृतजीवी कहते। मृतजीवी का मतलब ये मरे हुए प्राणियों से भोजन लेते, खुद मरे हुए नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि वो तो जिंदा होते हैं लेकिन मरे हुए जीवों का भोजन करते हैं। अब इनको एक एक करके देखो। अब ये देखो, मैंने थोड़ा सा ये बताया था आपको पैरासाइट के बारे में, हालांकि बहुत ज्यादा आएगा नहीं, अब आप एग्जाम टाइम है तो इसको ज्यादा मत ध्यान दीजिए, लेकिन मैंने थोड़ा बताया था कि पैरासाइट वो होता है जो होस्ट के शरीर के अंदर या ऊपर रहता है और उससे भोजन को पूरा लेता है। अब पैरासाइट ऑलवेज डिप्राइव्स, डिप्राइव मतलब वंचित करना, वंचित करना मतलब उसको मिलता नहीं है, वंचित करना मतलब किसी चीज को प्राप्त ना होना। तो ये होस्ट से कीमती नहीं, यानी कि होस्ट के न्यूट्रिएंट को ले लेगा तो होस्ट उनसे वंचित रह जाएगा। भैया प्लीज जिसकी तरफ से भी अगर सो रहा हो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, वैसे भी आज बुद्धि खराब हो रही है। अरे सर, सर आर्यन की बुद्धि खराब हो रही है। चलो बेटा अब वैसे अभी देखो, अभी तो सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, अभी वैसे आज सही रहा अभी तक। चलो अब देखो पैरासाइट समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो पैरासाइट दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट वो होते जो अपनी जिंदगी का, पूरी जिंदगी या जिंदगी का बहुत बड़ा भाग होस्ट के ऊपर गुजारते और होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकते, उनको टोटल पैरासाइट बोलते। जैसे कसकोटा यानी कि अमरवेल, ठीक है। जानवरों में टेप बॉम होता है, टेप बॉम देख रहे हो? यस सर। पीताक्रमी, ये टोटल पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो होश के बिना जिंदा नहीं रह सके, पूरी जिंदगी या जिंदगी का अधिकांश हिस्सा होश के अंदर बिताते हैं। सर मनुष्य में नहीं होता है पीताक्रमी। सर मनुष्य में पीताक्रमी नहीं होता। मनुष्य का? सर मनुष्य में पीताक्रमी नहीं होता सर, टेप बॉम होता है। बिल्कुल होता है भाई, बहुत होता है। ये पीताक्रमी क्या है? भोजन के साथ पहुंच जाता है पेटों, पेटों के कीड़े जो होते हैं, पेटों के कीड़ों में से एक पीताक्रमी होता है। जो पेट के कीड़े होते हैं ना उनमें से ये एक होता है, हमारी आंतों में होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है पीताक्रमी, मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ये सर गंदगी के कारण हो जाता है, बच्चों में अधिकतर होता है, लेकिन मनुष्य में ही ज्यादा होता है। अब पार्शियल पैरासाइट, इनको अधूरे परजीवी कहते हैं। अब देखो अधूरे परजीवी वो होते हैं जो या तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा गुजारे,
थोड़ा सा हिस्सा होश के अंदर गुजारते और बाकी टाइम फ्री रहते। जैसे मच्छर है, मच्छर और जोंक, इनको हम पैरासाइट इसलिए बोल सकते हैं, अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा गुजारते भले ही वो कुछ सेकंड ही क्यों ना हो, भले ही कुछ सेकंड। दूसरा ये हो सकता है कि वो होश के ऊपर जिंदगी तो गुजार दे लेकिन होश से सब कुछ ना ले, होश से एक दो चीजें ले बाकी सब स्वयं बना ले, उनको भी अधूरे पैरासाइट बोलते। जैसे मिस्टल्टो का पौधा, मिस्टल्टो का पौधा जिसमें बात करेंगे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, देखो मिस्टल्टो का पौधा क्या होता है, बंडा का पौधा, बंडा का पौधा, ये पौधों के ऊपर उगता है शाखाओं के ऊपर और उनमें अपनी जड़ें घुसा देता है, लेकिन क्या है ये केवल वाटर और मिनरल्स लेता है होश से, फोटोसिंथेसिस करता है, हरे पत्ते होते तो फूड अपना स्वयं बनाता है, इसको भी हम पार्शियल पैरासाइट अधूरा परजीवी बोलेंगे। हालांकि ये टॉपिक पूरा जीवन तो सर पेड़ पर बिताता ही है, बिताता है लेकिन क्या है कि एक तरह से वाटर और मिनरल लेता है बाकी भोजन अपना स्वयं बनाता है। सर ये देखा भी है सर, इधर मेरे पौधे पर है भी, क्या सर है, सर मैंने देखा है सर, ये मिस्टर हाँ, सर ये थोड़ा सा अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है सर, ये घोंसले जैसा चिपक जाता आगे सर, वो छूटता नहीं सर जब तक हाँ, नहीं नहीं छूटता है। अब आप देखोगे जहाँ मिस्टल्टो होगा पेड़ की पत्तियां अलग तरह की होती है, इसकी पत्तियां अलग तरह, ठीक है आगे चले बेटा, ठीक है। अब देखो क्या हम लोग, हम और दूसरे जानवर पैरासाइट हैं पौधों पर, तो नहीं है, इसके दो कारण है, हम तो उनके शरीर के ऊपर या अंदर नहीं रहते, हम पौधों के शरीर के ऊपर या अंदर नहीं रहते। दूसरा ये कि पैरासाइट जो होता है होश को मारता नहीं है, अगर पैरासाइट होश को मार देगा तो वो यही हो जाएगा कि एक दो दिन तक तो उसे भोजन मिलेगा, जब होश मर जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। पैरासाइट होश को जिंदा रखता है ज्यादा समय तक, तड़पा तड़पा के जिंदा रखता है, वो पैरासाइट होता है। तो हम लोग पौधों को मतलब एक ही बार में मार देते, हम लोग जो भोजन करते हैं जो फसल होते एक ही बार में काट लेते, तो हम लोग पैरासाइट नहीं है, पैरासाइट वो है जो होश को धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाता रहता है, तो हम लोग पैरासाइट नहीं है। और दूसरी बात, हम पौधों के ऊपर नहीं रहते या अंदर नहीं रहते। यस सर। अब पहली का ये डाउट है क्या मच्छर और ये सब पैरासाइट, ये तो चलो, तो ये भी है, ये सब लोग पैरासाइट है बट पार्शियल पैरासाइट है, अधूरे परजीवी है। ये जो मच्छर हुए, बैड बग मतलब दीमक हो गए, जुए हो गए और जोक हो गए, ये अधूरे पैरासाइट है, ठीक है बेटा। अभी बंडा का पौधा है जैसे मिस्टल्टो प्लांट, इसके बारे में बता चुका, ये शाखाओं पे उगता है और इसके पास हरे पत्ते और क्लोरोफिल होता है, तो ये भोजन अपना बनाता है। लेकिन ये होश पर किस लिए निर्भर रहता है, पानी और खनिज के लिए, पानी और खनिज के लिए, सब प्रोटीन के लिए, नहीं प्रोटीन तो अपना बना लेता है, पानी तो प्रोटीन ना बना लेते। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट बच्ची पौधे, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट कीड़ों को खाते, कीड़ों से सिर्फ नाइट्रोजन लेते। अच्छा इनके जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन होते कुछ ग्रीन नहीं होते। अब पिचर प्लांट भी कई तरह के होते, पिचर प्लांट में ये एडेप्टेशन होता है, ये कीड़ों को खाते, ये एडेप्टेशन है, कैसे इसको हम अभी बताते हैं। इसमें देखो ये पत्ती है, कुछ पत्तियां, सारी पत्तियां नहीं, कुछ चुनी हुई पत्तियां घड़े में बदल जाती है, यानी कि पिचर में घट में बदल जाती है। और पत्ती का जो ये सिरा देख रहे हो एपिक्स, ये इसका ढक्कन बन जाता है लेड, तो ये एक एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन है, ये अनुकूलन होता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। पिचर प्लांट वही पाए जाते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी हो। यस सर। सर क्या है इसमें, क्या होता है, कुछ बाल होते इस घड़े के अंदर, कुछ बाल होते जो नीचे की दिशा में डायरेक्टेड होते। मैंने आपको बताया था चूहे को भी खा सकता है ना ये। यस सर। बाल नहीं निकलने देता। अब देखो ये जैसे ये बाल है, देखो बाल देख रहे हो नीचे की तरफ। यस सर। अब जैसे बाल होते जो नीचे की तरफ, एक बार कीड़ा उसमें चला जाए तो आ नहीं सकता, क्योंकि वो बालों में उलझ जाता है, इंटेंगल मतलब उलझ जाता है। अब क्या होता है कि पाचक रस इसमें छोड़े जाते, घड़े के अंदर पाचक रस छोड़े जाते और कीड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। यस सर। अंकल भी नहीं बचता। अब पिचर प्लांट जो होते हैं, हाँ सर उसकी बोन्स भी नहीं बचती हैं। हाँ बेटा। सर जो कीड़ा जाता है सर, मतलब कि पिचर प्लांट में सर उसकी बोन्स भी नहीं बचती हैं। नहीं बचता। नहीं बोन्स जो बचेगी वो क्या काम की, वो वैसे पड़ी रहेगी, पौधा इतना बड़ा है उसमें थोड़ा एक कोने में पड़ी रहेगी, वो उसमें कोई दिक्कत है ना। वैसे कीड़ों की बोन्स नहीं होती,
अरे सुधाकर आप लोग कीड़ों की हड्डियां नहीं होती है ना सर, कीड़ों में हड्डियां होती ही नहीं है, नहीं होती कीड़ों में, नहीं होती सवाल करता है कीड़ों में बेटा हड्डियां नहीं होती। चलो संडियो प्लांट देख रहे हो बेटा, संडियो पिक्चर में केवल इतना फर्क होता है, पिक्चर में कीड़ा अंदर चला जाता है गड़े के और इसमें पत्ती के ऊपर बैठ जाता है, ये पत्ती सिकुड़ जाती है इस तरह से, देखो ये पत्ती है इस तरह से सिकुड़ जाती है, इस तरह से कीड़ा बैठा और ये इस तरह से बंद कर ले, ठीक है थोड़ा अलग होता है, देखो इसमें कीड़ा ये दो पत्ते हाँ बेटा सर, जो पिचर प्लांट होते हैं वो सर ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? पिचर प्लांट पश्चिम बंगाल के सुंदरबन वन में पाए जाते हैं सर। संडियू, संडियू एक्चुअली विदेशी है, संडियू और बीनस इंडिया में बहुत कम होते हैं, पिचर ही होता है, ये एक्चुअली विदेशी पौधे हैं सर, संडियू और ये पाए जाते हैं, बाकी कहाँ पाए जाते हैं? कह दिया सर ने विदेशी है, विदेशी पिचर प्लांट इंडिया में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। अब देखो ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये और अलग होता है, इसमें क्या होता है कीड़ा दो पत्तियों के बीच में फंसता है, ठीक है पत्तियां बंद हो जाता है, ठीक है इस तरह। अभी एक और है मृतजीवी प्रणाली, ठीक है सेप्रोट्रोपिक किसको बोलते हैं? मृतजीवी। देखो मृतजीवी क्या होता है, आपने बाजार में मशरूम देखे होंगे, देखे ना? यस सर। अच्छा आपने फ्लफी, फ्लफी मतलब था रोएदार, छाते जैसी संरचना देखिए जो सड़ी हुई लकड़ी देखी आपने, सड़ी लकड़ी पे छाते जैसी संरचना देख रहे हो, इनको हम मशरूम बोलते हैं, ठीक है मशरूम यानी कि छत्रक। तो सेप्रोट्रॉप्स को हम कॉमनली फंगी बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं जो सड़े गले पौधों को खाते हैं मृत ये भी, इनको हम कॉमनली हम फंगी बोलते हैं, फंगी यानी कि कवक, सारे जो कवक होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मशरूम भी एक कवक है। ओके सर। अब देखो बूझो क्या कह रहा है कि इनमें ना तो जानवरों की तरह मुंह होता है ना ही पौधों की तरह क्लोरोफिल, तो अपना भोजन क्यों लेते हैं? तो मैंने आपको ये बताया था कि इनका जो भोजन लेने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, इनके ना तो मुंह होता है ना क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं अपने पाचक रस को अपनी त्वचा से बाहर छोड़ते हैं, जैसे हम लोग पसीना छोड़ते हैं वैसे ये पाचक रस को अपनी त्वचा से बाहर छोड़ते हैं, इनके त्वचा के बाहर जाके भोजन पर छोड़ते हैं पाचक रस, भोजन बाहर होता है इनके बॉडी के और वो भोजन पर पाचक रस अपनी बॉडी से छोड़ते हैं, जैसे हम पसीना छोड़ते हैं, वो पाचक रस क्या करता है भोजन को डाइजेस्ट करके घोल के रूप में बना देता है, भोजन का घोल बना लेता है, लिक्विड एक घोल बना देता है, उस घोल को ये अपने शरीर से ले लेते हैं, जैसे छोड़ते हैं वैसे ही ले लेते हैं, इस तरह के भोजन लेने के तरीके को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है बेटा सर? तभी से फफूंद वगैरह आ जाती है सर। ये क्या चीज़ इस चित्र में क्या दिखाया गया है ये सर? ये तो चित्र तो उसका है, ये एक्टिविटी का है, ये मैं आपको ये बता रहा था, ये वाला सर ब्रेड पर फंगी है। हाँ फंगी है, सेप्रोटॉप फंगी को बोलते हैं। अब देखो ब्रेड वाली एक्टिविटी देख लो, इसके बाद हम और फंगी के बारे में पढ़ते। एक ब्रेड लिया उसको गीला कर दिया सर, ये सड़ा हुआ ब्रेड लग रहा। हाँ सड़ा, देखो मैं बता रहा हूँ सड़ा क्यों है, ये कारण देखिए सड़ा होता है फंगी की वजह से। तो हमने ब्रेड ले लिया उसको पानी से गीला कर दिया, उसको दो तीन दिन तक रखा, रख दिया, उसमें आप देखो रोएदार धब्बे दिखाई देंगे, ये धब्बे सफेद हरे या ब्राउन कलर के हो सकते हैं, सफेद हरे या ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो ये देखो सफेद कलर के देख रहे हो आप, इनको हम फंगी बोलते हैं। अब फंगी क्या होता है ये यहाँ पे बताया गया, फंगी का जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है बिल्कुल निराला होता है, ये पाचक रस छोड़ते सड़ी गली चीजों पर पाचक रस छोड़ते उसको घोल बना लेते हैं और ले लेते हैं, और घोल से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, घोल से पोषक तत्वों को ले लेते हैं, ठीक है बेटा? इनके पास मुंह नहीं होता है तो ये अपने बॉडी से अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हैं, पूरे बॉडी का सरफेस का शरीर की सतह का उपयोग करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को जिसमें एक जीव घोल के रूप में लेता है सड़े गले पदार्थों को अपने पाचक रस को बाहर छोड़ के, इसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था हेटरोट्रॉपिक तीन तरह के होते हैं, पहला पैरासाइट्स, दूसरा इंसेक्टिवोरस, पहला परजीवी, दूसरा कीट बच्ची,
और तीसरा अमृत जी भी, तो तीसरा हम पढ़ रहे हैं ठीक है बेटा। अमृत जी अब जो कवक होते हैं फंगी अचार पर चमड़े पर उगती है, फंगी की विशेषता ये गर्म और नमी युक्त जगह पर रहता है, ये बरसात के सीजन में भोजन को खराब करता है। आप अपने पेरेंट्स से फंगी के मीनास यानी कि खतरे के बारे में पूछ सकते हैं। अब फंगी जूतों में भी लगती है ठीक है, बरसात के सीजन में ये लगती है। फंगी कैसे रिप्रोडक्शन करती है फंगी के, हाँ सर, सर फंगी नमी युक्त में ही क्यों पाया था? नमी युक्त और गर्म, गर्म और नमी युक्त थोड़ा गरम हो सर, गरम हो सर। क्या होता है देखो, बरसात के समय फंगी बहुत से स्पोर बनाती है, स्पोर मतलब बीजाणु, फंगी बहुत से स्पोर। ब्रेड कहाँ गरम होता है? हाँ मौसम, ब्रेड कहाँ गरम होता है? अरे उसे पानी में भिगाया है या बताओ। देखो मौसम, ब्रेड ब्रेड पर जो है, ब्रेड को अगर आप रख दो खुला हुआ, खुला रख दो, मौसम के ऊपर निर्भर करता है। ब्रेड तो ठंडा ब्रेड की बात नहीं कर रहे, जब आप उसको रखेंगे थोड़ा गर्म और नमी युक्त जगह पर, तो दो तीन दिन में भिगो के रखेंगे तब उसमें होगा ये बता रहे। वैसे अगर आप ब्रेड फ्रिज में रखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि फंगी बहुत ज्यादा ठंडी जगह में नहीं रह सकते। फ्रिज में नहीं होगा, बाहर रखेंगे तब होगा। तो देखो बरसात के समय में फंगी स्पोर बनाती है, जिस तरह से पौधे बीज बनाता है वैसे ही फंगी स्पोर बनाती है, स्पोर को बीजाणु बोलते हैं ठीक है। अब ये फंगी के जो स्पोर होते हैं हवा में उड़ते रहते, स्पोर बहुत हल्के होते हैं बीजाणु, ये हवा में उड़ते रहते, फंगी ने इनको बनाया हवा में छोड़ दिया, ये हवा में उड़ते रहते, और जहां भी ये गर्म और नमी युक्त वातावरण देखते वहां पे ये उग जाते, अपनी मतलब की चीज देखते सो आ जाते हैं ठीक है। फंगी फंगी लाभदायक भी होते, हानिकारक भी होते, जैसे फंगी फसल को भी खराब करते, गेहूं की फसल को फंगी खराब कर सकते, गेहूं की फसल को ये खराब कर सकते, और भी फसलें खराब कर सकते, लेकिन कुछ फंगी लाभदायक होती है, जैसे कि गेहूं की फसल कैसे खराब कर सकते हैं? इंडुआ रोग लग जाता है, ये मेडिसिन बनाने के काम आती है। हाँ आ रहे हैं उसपे, तो देखो कुछ फंगी लाभदायक होती है जो दवाई बनाने के काम आती है, कुछ फंगी को हम खा भी सकते हैं जैसे मशरूम है वो खाने के काम भी आती है, और कुछ जो ईस्ट होती है, ईस्ट भी ईस्ट एल्कोहल यानी कि शराब बनाने के काम आती है। यस सर, बाइन। अब फंगी की कुछ बीमारी, रस्ट ऑफ वीट, केवल नाम याद कर लो, गेहूं की जंग। यस सर। जानवरों में रिंगवॉर्म यानी कि दाद होना। यस सर। मनुष्य भी हो सकता है ये। अब देखो ईस्ट के यूज क्या है, ईस्ट जो है केवल एक सेल की बनी होती, बाकी सारी फंगी जो होती है बहुकोशिकीय होती है, लेकिन ईस्ट जो है वो एक कोशिका की बनी होती है। ये ईस्ट देख रहे हैं, ये ईस्ट जो है माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, बहुत छोटी होती है, देखो तीन फ्रॉम माइक्रोस्कोप लिखा है ना। यस सर। तीन बाई माइक्रोस्कोप। अब ये पेनिसिलिन भी एक फंगी होती है, पेनिसिलिन को हम दवाई बनाते हैं, पेनिसिलिन पेनिसिलियम एक फंगी है जिसको पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाते हैं, इसको निमोनिया और अदर बीमारी, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा पढ़ाया था कि निमोनिया और दूसरी बीमारी में रहते हैं। मशरूम को हम खा सकते हैं, मशरूम विटामिन बी फाइबर और कुछ मिनरल का स्रोत है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा बताया था। अब देखो कुछ ईस्ट के प्रोडक्ट, पेस्ट्री हुई, ब्रेड हुई, शराब और पाव रोटी, ये ईस्ट से बनते हैं। यस सर। ईस्ट को खमीर बोलते हैं हिंदी में। अब ये देखो अब हम कैसे बचा सकते हैं, तो होमवर्क था चलो। तो अब सहजीवी संबंध, कुछ जीव जो रहते हैं, कुछ जीव एक साथ रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ जिंदगी जीते हैं, कुछ छोटे जीव एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। बेटा जो हाथ उठा रहा है अपने आप को स्वयं अनम्यूट कर लो। कुछ जीव एक साथ जुड़े रहते हैं, वो क्या होता है कि सरल में रहने का जगह शेयर करते हैं और भोजन शेयर करते हैं, इनको इस तरह का जो रिश्ता होता है इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध बोलते हैं। सहजीवी मतलब साथ साथ रहना, ऐसे में दोनों पार्टनर को फायदा पहुंचता है। जैसे कि पौधा और राइजोबियम, पौधा और राइजोबियम दोनों सहजीवी है क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा, दोनों को फायदा होता है। पौधे को क्या फायदा रहता है कि उसको नाइट्रोजन मिल रही है सॉल्युबल फॉर्म में, दूसरा राइजोबियम को क्या फायदा रहता है, वो नाइट्रोजन तो कर लेता है सॉल्युबल लेकिन अपना भोजन नहीं बना पाता, तो पौधे अपने भोजन में से थोड़ा सा एक हिस्सा राइजोबियम को दे देता है, दोनों का फायदा हुआ। यस सर। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
देखो कुछ इसमें बताया गया, एल्गी प्लस फंगी, इसको लाइकेन बोलते हैं। एल्गी और फंगी, देखो लाइकेन देख रहे हो, ये लाइकेन एल्गी और फंगी के मिलने से बनती है, इसको लाइकेन बोलते हैं। ये भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का उदाहरण। दूसरा हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम, फलीदार पौधे और राइजोबियम, इस पे हमारे एक बच्चे ने पूछा था। तीसरा है प्लांट की जड़ें और फंगी, प्लांट की जड़ें और फंगी भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। बुक में इसका नाम नहीं दिया, इसको हम माइकोरिजा कहते हैं। तो हम पे आ रहे हैं धीरे धीरे। लाइकेन क्या होता है? देखो लाइकेन में क्या होता है, दो पार्टनर होते हैं, दो जीव साथ साथ रहते हैं। एक तो इसमें क्लोरोफिल हो, यानी कि एक एल्गी, एल्गा देखो सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल, एल्गा सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल, और एक फंगस, फंगस सिंगुलर है और फंगी प्लूरल, सेम ही है। एल्गा और फंगस सिंगुलर है और प्लूरल में हो जाएगा एल्गी और फंगी, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। अब फंगी क्या काम करती है, फंगी जो है, फंगी की जड़ें ज्यादा गहरी जाती है, एल्गी की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। तो फंगी की जड़ें ज्यादा गहरी जाती है, तो फंगी क्या करती है, फंगी एक काम फंगी करती है, रहने की जगह फंगी देती है, क्योंकि फंगी बड़ी होती है, वहीं रहती है, तो रहने की जगह फंगी देती है, वाटर और मिनरल फंगी देती है। अब एल्गी क्या देती है, एल्गी एक काम करती है बहुत इंपॉर्टेंट, कि फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाती है और इस भोजन में से कुछ हिस्सा फंगी को दे देती है। दोनों को फायदा हुआ? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। सर थक गए। अब देखो दूसरा है लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम। राइजोबियम होता है कुछ पौधों की जड़ों में होता है, इनको फलीदार पौधे बोलते हैं। फलीदार पौधे देखो, ये देख रहे हो जिनके गांठें होती है, जिनके गांठें होती है जड़ों में, उनको हम फलीदार पौधे बोलते हैं। फली मतलब होता है गांठ, फलीदार पौधे बोलते हैं। तो फलीदार पौधों में राइजोबियम जड़ों में होता है, जो फली होती है गांठें, इनमें राइजोबियम रहता है। राइजोबियम क्या करता है, देखो कुछ नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया मिट्टी में भी रहते हैं, लेकिन राइजोबियम जो होता है वो प्लांट की जड़ों में रहता है, फली में। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करके पौधों की जड़ों को देता है। अब पौधे इसको क्या कहते हैं, पौधे इसको भोजन और रहने की जगह देते, ठीक है। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तीसरा माइक्रोरिजा, माइक्रोरिजा देखो बहुत आसान है, कि माइक्रोरिजा पौधों की जड़ों में होता है। माइक्रोरिजा फंगी है, एक्चुअली माइक्रोरिजा फंगी नहीं है, माइक्रोरिजा इन दोनों के जो रिलेशन है उसको कहते हैं, दोनों का जो रिश्ता है पौधों को और फंगी का, उसको माइक्रोरिजा बोलते हैं। देखो कुछ फंगी पौधों की जड़ों में रहती है, पेड़ इसको क्या करते, पेड़ क्या करते, इसको न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेसिस से बना भोजन देते। पेड़ इसको, फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जड़ें ज्यादा गहरी होती, पौधों की जड़ों से ज्यादा भी फंगी की जड़ें पहुंच जाती है। तो पौधों की जड़ों में पाया जाता है फंगी की। ये क्या करती है, फंगी वाटर और मिनरल को सोखने में पौधों को सहायता करती। पौधों की जड़ें कम गहरी होती, फंगी की जड़ें ज्यादा गहरी होती, तो फंगी क्या करती है, वाटर और मिनरल सोख के प्लांट को देती है। और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनाता है उसका कुछ भाग दे देता है फंगी को। समझ रहे बेटा? यस सर। तो ये एसोसिएशन, ये संधि पेड़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पेड़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि अगर फंगी नहीं होगी तो वो गहराई से वाटर और मिनरल नहीं ले पाएगा। ये वहां पर होता है माइक्रोरिजा, जहां पानी का लेवल नीचे होता है, पानी का लेवल। राजस्थान हाँ। अब देखो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कैसे होती, तो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति ये कि हम लोग खाद देते हैं या उर्वरक देते हैं। देखो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, देख रहे हो आप, ये खाद है, ये उर्वरक होती है, वो सर कीड़ों से बनाई जाती है, जो उर्वरक होती है वो रासायनिक होती है। फर्टिलाइजर और मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स। देखो फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस ये होते, इनको समय समय पर देते जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की। अब देखो हमें क्यों देते, क्योंकि समय समय पर प्लांट जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट लेता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसको भरपाई करने के लिए हम उसे उर्वरक या खाद देते, ठीक है बेटा। यस सर। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सर जो मैन्योर होती है उसे उर्वरक बोलते हैं। हाँ, मैन्योर को खाद बोलते और फर्टिलाइजर को उर्वरक, ठीक है। यस सर। ये बेटा कुछ मिल गए थे, ये ऊपर नीचे हो गए, ये देख लो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये मैं बता चुका हूँ वैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते, तो ये पीपीटी कुछ ऊपर नीचे हो गई, मैं सही कर दूंगा। तो ये घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं, बाकी मैं चैप्टर को कर चुका हूँ वैसे।
लेग्यूम प्लांट देखो फलीदार पौधे क्या होते हैं ये बताया गया। फलीदार पौधों के उदाहरण है चना, मूंग, सेम और बहुत सी दालें। चना, मूंग, सेम, बहुत सी दालें, ये फलीदार पौधे होते हैं। हाँ बहुत सी दाल है, ये फलीदार होते हैं। कैरेट? हाँ बेटा। गाजर होती वो? नहीं गाजर नहीं, गाजर नहीं, गाजर तो खुद ही। अब ये यही बताया कि राइजोबियम क्या करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि राइजोबियम नाइट्रोजन को सॉल्युबल करते और प्लांट्स को देते हैं। प्लांट्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से बना हुआ भोजन में कुछ हिस्सा दे देते हैं, तो दोनों को ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये कुछ नहीं चला रहा है लगता। हाँ बेटा सर आवाज कट रही। सर आ तो रहे सही आ रही है। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा थोड़ी देर में, परेशान मत हो, अभी भेज दूंगा, दो तीन घंटे में भेज दूंगा मैं। और बेटा कोई डाउट? नो सर। ठीक है अब देखो इस चैप्टर को रिवाइज करना, मैं थोड़ी देर में इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजूंगा। अब वो क्वेश्चन क्या, टाइम कम है, वो क्वेश्चन मुझे भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग सब प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको एक बार देख लीजिए। चलो बच्चों तो आज के लिए हम डिस्कनेक्ट करें। अब कल की क्लास में क्या रिवाइज करना जल्दी बताओ। फाइबर टू फैब्रिक कल हम रिवाइज करेंगे। ठीक ठीक है बेटा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जल्दी बोलो। सर जो पार्कल होता है सर उससे प्रेशर नापते हैं क्या? पार्कल एक मिनट पास्कल। पास्कल पास्कल बेटा प्रेशर की यूनिट है, ये अलग टॉपिक है। पार्सल जो है वो प्रेशर की यूनिट है दबाव की। जिस तरह से दूरी को मीटर में नापते हैं उस तरह से प्रेशर को पास्कल में नापते हैं। ओके सर। ओके बेटा।